तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हमारे साथ गरिमा जी हैं। गरिमा जी के साथ हम बातचीत कर रहे हैं सम इफ फॉर्मूले के बारे में। ओके, सम इफ फॉर्मूला जैसे आपके सामने हमारे सामने दिख रहा है पूजा, मुझे मान लीजिए पूजा का टोटल चाहिए, तो मुझे यहां फॉर्मूला लगाना है सम। तो अगर ओवर सम का फॉर्मूला लगाते हैं तो ओवरऑल आपको, लेकिन मुझे सिर्फ पूजा का टोटल चाहिए, सम विथ कंडीशन, सम के साथ हमें कंडीशन भी ऐड करनी है, तो मुझे सिर्फ पूजा का टोटल चाहिए। तो यहां पे जो फॉर्मूला हम लगाएंगे वो लगाएंगे सम इफ का फॉर्मूला, सम विथ कंडीशन। तो सम इफ हमें सबसे पहले रेंज सेलेक्ट करना है कि हमें सम किसका चाहिए, तो मैंने हमें जो पूजा है किसमें मैच करना है, हमें किसका मतलब चाहिए सम, किस पे मैच करना है। तो हमने यहां पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद है क्राइटेरिया कि इसमें क्या मैच करना है, हमें पूजा को मैच करना है। फिर आता है सम रेंज, किसको सम करना है। तो देखिए आपके सामने 74 आ गया। जैसे मान लीजिए मुझे सुनील का टोटल चाहिए, राइट। तो यहां मैं एक और बताता हूं समीप कैसे लगता है। समीप पहले देना होता है रेंज जिसमें सुनील को मैच करना है, फिर देना होता है किसको मैच करना है, सुनील, सुनील को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद क्वांटिटी कि समय सम किसका करना है, जिस कॉलम का सम करना है, मतलब कि कॉलम ए में जहां जहां सुनील मिलेगा उसका टोटल कहां कहां करना है। तो आगे आपका 14817। तो समीप समझना है क्या होता है। अब मान लीजिए मुझे सुनील का टोटल नहीं चाहिए, मुझे क्वांटिटी का ही टोटल करना है, लेकिन कंडीशन है कि ग्रेटर देन 50 वाले, कि ग्रेटर देन 50 वाले कितने कितने टोटल क्वांटिटी है। मान लीजिए मुझे टू पीस पर पीस के हिसाब से इनको पे करना है, तो यहां हम सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। समीप हम रेंज सेलेक्ट करेंगे अपना और फिर अपनी क्राइटेरिया सेलेक्ट करें, एंटर प्रेस कीजिए, रिजल्ट आ जाएगा कितने 50 वाले इतना है। अब देखिए यहां पे ध्यान रखिए कि मैंने इस वाले फॉर्मूले में तीन इनपुट दिए हैं, बट यहां हमने सिर्फ दो ही इनपुट्स क्यों दिए हैं। देखिए अब तो क्राइटेरिया रेंज एंड सम रेंज एक है, तो आपको समरेंज देने की जरूरत नहीं, समझ गए सर। हाँ जी, हाँ जी, समझ गए। चलिए आगे बढ़े। हाँ जी बिल्कुल। तो इसी तरह से आप ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू यूज कर सकते हैं। सेम ही वो क्राइटेरिया उसमें सेलेक्ट करके और कॉलम सेलेक्ट करके ना। जी जी। इसी में ना आपने वो फिल्टर वाला, अगर मुझे जैसे मान लीजिए सर नीरज का चाहिए न्यू दिल्ली वाला, तो वो वाला एक मैं बताता हूँ, वो भी बताता हूँ। जी जी। तो यहां नॉट इक्वल टू कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि अब कहीं कहीं पे देखिए एज 20 लिखा हुआ दिख रहा है आपको, एज 20 मतलब कि उस तरह के एक तरह का कोड लगे हुए हैं। तो मुझे उस कोड को सम करना है, जो कोड लगा हुआ है मुझे उस कोड को सम करना है। कैसे थे? तो उस कोड को सम करने के लिए हमें यहां जस्ट तीन बार क्वेश्चन मार्क, समझ गए सर, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया रेंज एंड सम। तो तीन क्वेश्चन मार्क इट मींस तीन करैक्टर, तीन करैक्टर।
कोड की जगह दूसरा कोई नाम ले सकते नहीं। हाँ मतलब कि यहाँ पे H20 आ गया, P21 आ गया, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे इतना पता है वो 3 डिजिट का होगा। ओके अब जैसे मान लीजिए कि सुनील रवि की बात करें, तो रवि है कहीं पर, रवि है कहीं पर, रवि सिंह है कहीं पर, रवि है कहीं पर, रवि सिंह। तो मैंने यहां पे रवि को दोनों तरफ लिख करके लिख दिया। अब मैं यहां पे सम इफ का इस्तेमाल करता हूं और हम इसको रेंज को लेते हैं, रवि को लेते हैं और यहां पे सम रेंज को लेते हैं। तो दोनों तरफ हमने स्टार लगा दिए, इसका मतलब समझे क्या हुआ? रवि हो या कंटेन, हाँ रवि हो, रवि कुमार हो, कुमार रवि हो, कुमार रवि सिंह हो, कुछ भी, मतलब कि जो रवि है कहीं भी हो सकता है। लेकिन मैंने यहां पर रवि दिया और स्टार लगा दिया, तो स्टार्ट विथ रवि और स्टार लगाया देन रवि किया तो क्या हो गया? एंड विथ रवि। ठीक है, अब अगली क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे रवि पूना ने कितना सेल किया है वो पता करना है। तो यहां पे हम सम इफ नहीं, देखिए जब आपके पास एक कंडीशन हो तो यहां आपको सम इफ इस्तेमाल करना है, लेकिन जब आपके पास मोर देन वन कंडीशन हो तो सम इफ्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है मीना जी, अब इसमें हम लेते हैं अपना क्राइटेरिया, यहां देते हैं क्राइटेरिया रेंज, उल्टा ही होता है। इसमें सबसे पहले देना होता है हमें अपना सम रेंज, देन देना होता है क्राइटेरिया रेंज, देन देना होता है क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया टू ए एंड क्राइटेरिया टू, और एंटर प्रेस कीजिए। 0 आया क्योंकि रवि पूना में नहीं, पुणे होना चाहिए था। हां जी तो ये आपके सामने रिजल्ट आ गया। तो इसे दो से ज्यादा कंडीशन, और इसमें भी सारा जो ऊपर मैंने मेथड बताया वो सारा मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपने सम इफ और सम इफ्स के बारे में जाना, उसी तरीके से यहां पे होता है एवरेज इफ, सेम तरीके से लगता है। रेंज क्राइटेरिया एवरेज, ठीक है, और एवरेज इफ में भी सारा कंडीशन यूज कर सकते हैं, और मोर देन वन कंडीशन हुआ तो हम एवरेज इफ्स का इस्तेमाल करेंगे, सेम तरीके से जैसे सम इफ्स का यूज किया हमने, क्राइटेरिया वन क्राइटेरिया सम वन एंड सम रेंज। उसी तरह से काउंट के भी फॉर्मूले हैं। अब काउंट के 3 फॉर्मूले, एक है हमारा नॉर्मल काउंट जो कि सिर्फ नंबर को काउंट करता है, टेक्स्ट को नहीं। एक हमारे पास होता है काउंट ए जो कि नंबर और टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है, देन काउंट ब्लैंक जो कि सिर्फ ब्लैंक को काउंट करता है। ओके लेकिन मुझे कंडीशन अकॉर्डिंग काउंट करने हैं, तो काउंट इफ, काउंट इफ हमने सिलेक्ट किया क्राइटेरिया रेंज, और सेम इसी तरह से हम यहां भी कर सकते हैं काउंट इफ, काउंट इफ माफ कीजिएगा, काउंट इफ रेंज क्राइटेरिया रेंज कंटेंट, और इसलिए भी सारा कंडीशन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है सर, निर्मा जी, तो देखिए सम इफ फॉर्मूला जो लोग आप पिवट टेबल में भी जो यूज करते हैं ना, तो पिवट टेबल का ही पूरा का पूरा सम इफ के अंदर है।
तो जो अगर पिवट टेबल में जो फीचर जो चीजें ले रहे हैं वो आपको अगर फॉर्मूले के थ्रू चाहिए तो हम समीफ एवरेजीफ काउंटिंग जैसे फॉर्मूला का यूज करते हैं।